हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इरिगेशन इंजीनियरिंग का एसएससी जेई एग्जाम 2017-18 का क्वेश्चन पार्ट टू डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर का सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाटरिंग डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड, इसे हम पैलियो इरीगेशन कहते हैं। अगर लैंड जो है अगर ड्राई हो तो हम जो है सोइंग से पहले जो है हम इरीगेशन करते हैं उसे पैलियो इरीगेशन करते हैं। डिफाइंड एज द वाटरिंग डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप, दिस इज डन टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग। ऑप्शन ए है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग ईच ऑफ दीज वाटरिंग इज नॉट सेम। वाटरिंग जो करते हैं वो सेम नहीं होता है। फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर प्लांट हैव ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर हाई इज नॉन एज कोर वाटरिंग। फ्यू सेंटीमीटर जो है प्लांट अगर ग्रो होने के बाद जो है सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है, और सबसे जो ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट जिस टाइम होता है उसे हम कोर वाटरिंग कहते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर जो है अप्लाइड ड्यूरिंग दिस वाटरिंग इज नॉन एज कोर डेप्थ। कोर वाटरिंग मस्ट बी डन इन अ लिमिटेड पीरियड विच इज नॉन एज कोर पीरियड। के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अवेलेबल मॉइस्चर इज द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड अवेलेबल मॉइस्चर जो है ये होता है फील्ड कैपेसिटी, डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है? डिफरेंस इन मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। सेकेंड है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर होता है वाटर विच कैन नॉट हेल्ड बाय सॉइल बट ड्रेन्स आउट फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। थर्ड है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है इज हेल्ड इन द सॉइल बाय सरफेस टेंशन। ये जो है सॉइल में हेल्ड रहता है बाय सरफेस टेंशन के द्वारा। द कैपिलरी वाटर इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अवेलेबल वाटर, क्योंकि प्लांट जो है कैपिलरी वाटर का यूज करता है। प्लांट्स रूट्स ग्रेजुअली एब्जॉर्ब द कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ वाटर लॉगिंग। ऑप्शन ए है एक्सेस टैपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर। अगर हम टैपिंग करेंगे ग्राउंड वाटर का तो इससे जो है वाटर लॉगिंग कम होगा, तो ये जो है काउज नहीं है वाटर लॉगिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। एक्सेस रेनफॉल से वाटर लॉगिंग होता है, फ्रिक्वेंट इरीगेशन से भी होगा, हाई वाटर टेबल से भी होता है। काउज ऑफ वाटर लॉगिंग है हैवी रेन्स, फ्रिक्वेंट इरीगेशन, हाई वाटर टेबल, इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन समर ड्यू टू फ्लड्स, इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज के कारण भी वाटर लॉगिंग होगा। उसके बाद वाटर लॉगिंग जो है कंट्रोल कैसे करेंगे, तो लाइनिंग ऑफ कैनाल एंड वाटर कोर्स के द्वारा, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन हम करेंगे तो वाटर लॉगिंग की जो है पॉसिबिलिटी कम होगा। थर्ड है बाय प्रोवाइडिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेनेज बाय इंटरलॉकिंग क्रॉप रोटेशन, क्योंकि कुछ क्रॉप जो है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, कुछ क्रॉप जो है कम वाटर एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है विच वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल। अगर एसिडिक सॉइल है तो उसे हम रिक्लेमेशन कैसे करेंगे? ऑप्शन ए है लीचिंग, प्रोविजन ऑफ गुड ड्रेनेज, यूज जिप्सम एज अ सॉइल अमेंडमेंट, यूज लाइमस्टोन एज अ सॉइल अमेंडमेंट। तो एसिडिक सॉइल अगर हो तो हम यूज करते हैं लाइमस्टोन एज अ सॉइल अमेंडमेंट। अगर एल्केलाइन लैंड हो सॉइल हो तो हम जिप्सम यूज करते हैं। रिक्लेमिनेशन ऑफ सेलाइन एंड एल्केलाइन लैंड्स। लैंड जो है रिक्लेमिनेशन इज प्रोसेस है बाय विच एन अनकल्टेबल लैंड इज मेड फिट फॉर कल्टीवेशन। सेलाइन लैंड गिव वेरी लेस क्रॉप इल्ड फॉर कल्टिवेबल, दे आर रिक्लेम्ड। नेक्स्ट है कैलकुलेट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन
एट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल इज 0.4 मीटर, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 60 किलोन्यूटन पर मीटर है, क्यों है? तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल इज 0.4 मीटर। डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन एट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट DWP दिया हुआ है 0.4 मीटर, गामा W 16 किलोमीटर पर मीटर क्यों दिया, रूट जोन डेप्थ जो है ये जो है पर मीटर है तो 1 मीटर हो गया रूट जोन डेप्थ। DWP जो है इक्वल टू होता है वाटर डेप्थ इक्वल टू होता है गामा डी बाय गामा डब्ल्यू, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल डी इंटू पी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP। रूट जोन डेप्थ जो है पर मीटर दिया है तो पर मीटर 1 मीटर हो गया। DWP 0.4 मीटर दिया है, गामा डी 16 किलोमीटर पर मीटर क्यों दिया है, गामा डब्ल्यू का वैल्यू होता है 9.81 इंटू 1, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0.245। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल में हम जिप्सम यूज करते हैं, एसिडिक सॉइल में हम जो है लाइम स्टोन यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए है एडिशन ऑफ जिप्सम टू द सॉइल वनली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है एडिशन ऑफ जिप्सम टू द सॉइल एंड लीचिंग, सॉरी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। इस एल्कलाइन सॉइल को जो है हम रिक्लेमेशन करने के लिए लीचिंग भी करते हैं। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग द एल्कलाइन एल्केली सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल गेट डिजॉल्व इन दिस वाटर विच परकुलेट डाउन टू द जॉइन द वाटर टेबल, द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सॉल्ट इन द टॉप लेयर ऑफ द लैंड आर रिड्यूज। तो लीचिंग में जो है हम एडिक्वेट फ्लडेड लैंड को जो है फ्लडेड करते हैं विथ एडिक्वेट डेप्थ ऑफ वाटर से, तो लीचिंग भी करते हैं और एडिशन ऑफ जिप्सम भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशेंसी इफ द डेप्थ ऑफ एनिट्रेशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ बॉर्डर स्ट्रिप एट एन इंटरवल ऑफ 20 मीटर आर 1.5 मीटर, 1.8 मीटर एंड 2.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100% में। यहाँ पे जो है डी जो है डी मीन डेप्थ है, मीन डेप्थ है, उसके बाद वाई जो है एवरेज डेविएशन है, एवरेज डेविएशन वाई हम निकालेंगे, समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस डी बाई एन। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स हम जो है अर्थमेटिक वैल्यू नहीं लेंगे इसका, जो है माइनस और प्लस, माइनस अगर होगा तो हम प्लस मिलेंगे। तो सबसे पहले मीन डेप्थ निकालते हैं, तो 1.5, 1.8 और 2.1 को जो है एडिशन करेंगे बाय 3, तो इसका जो है वैल्यू आ रहा है 1.8 मीटर। अब हम वाई जो है निकालेंगे, एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन जो है ये हो जाएगा हमारा वैल्यू जो है 1.8 एवरेज आया है, तो 1.5 माइनस 1.8 और ये मोड में लेंगे, उसके बाद प्लस 1.8 माइनस 1.8, उसके बाद 2.1 माइनस 1.8, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय 3 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 मीटर आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी अब हम निकाल सकते हैं, y और d का वैल्यू आ गया है, तो 1 माइनस y का वैल्यू 0.2 है और d का वैल्यू 1.8 है, इंटू 100 इसको सॉल्व करेंगे 88.89% में आ रहा है वैल्यू, तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इन एन इरीगेटेड फील्ड द नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट NIR इज 15 सेंटीमीटर, द एप्लीकेशन एफिशेंसी जो है 80% है एंड वाटर कन्वीनियंस एफिशेंसी इज 60%, वाट इज द ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट GIR हमें फाइंड आउट करना है इन सेंटीमीटर में। ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द FIR फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट प्लस द अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर लॉस्ट इन कन्वीनियंस
थ्रू द कैनाल सिस्टम बाय इवेपोरेशन एंड बाय सीपेज। जी आई आर इक्वल टू होता है FIR फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट बाय NC कन्वीनियंस एफिशेंसी, और ये जो है इक्वल टू होता है NIR बाय NA इंटू NC एप्लीकेशन एफिशिएंसी और कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो यहाँ पे GIR हमें फाइंड आउट करना है, NIR दिया हुआ है नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट 15 सेंटीमीटर, NA और NA का वैल्यू है 18%, NC का वैल्यू है 16%, तो 0.8 इंटू 0.6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 31.25 सेंटीमीटर जो है हमारा GIR आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एजम्पशन ऑफ कैनेडी थ्योरी। ऑप्शन ए है शेप ऑफ रेजिम चैनल इज सेमी सर्कुलर, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, शेप ऑफ रेजिम चैनल जो था वो सेमी एलिप्टिकल है। ऑप्शन बी है सिल्ट इज एन सस्पेंशन ड्यू टू बायंसी फोर्स, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है सिल्ट इज इन सस्पेंशन ड्यू टू एडी फॉर्म फ्रॉम बॉटम ऑफ चैनल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कैनेडी थ्योरी जो है, RG कैनेडी जो है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था पंजाब PWD में, उसने जो है इन्वेस्टिगेशन किया था इन द अपर बाड़ी दुआब कैनाल सिस्टम में। ये जो है ये अपर बाड़ी दुआब कैनाल के बारे में जो है गेट में पूछ चुका है क्वेश्चन। सिल्ट जो है सपोर्टिंग पावर इन अ चैनल क्रॉस सेक्शन वाज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द जनरेशन ऑफ एडीज राइजिंग टू द सरफेस, दीज एडी आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोइंग वाटर विथ द चैनल सरफेस। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ऑफ अ चैनल यूजिंग कैनेडी थ्योरी, द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 3 मीटर। क्रिटिकल वेलोसिटी वी नोट इक्वल टू होता है 0.55 m इंटू वाई की पावर 0.64। यहाँ पे m जो है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है और इसका वैल्यू जो है सैंड कोर्सर देन द स्टैंडर्ड का रेंज जो है 1 टू 1.2 होता है, सैंड फाइनर 1 से 0.7 होता है। यहाँ पे दिया नहीं है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, तो हम एज्यूम करेंगे 1। और यहाँ पे y जो है वाटर डेप्थ इन चैनल है और दिया हुआ है 3 मीटर, तो 0.55 m का वैल्यू 1 हो गया इंटू y का वैल्यू है 3 मीटर, 3 की पावर 0.64, इसको सॉल्व करने के बाद 1.11 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू अ चैनल इफ द मीन डायमीटर ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज 0.5 mm होगा एंड डिस्चार्ज इज 60 क्यूमेक। डिस्चार्ज दिया हुआ है 60 क्यूमेक, वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है। तो लेसी थ्योरी ने जो है एक लेसी थ्योरी ने बहुत सारे फॉर्मूला दिया है, एफ इक्वल टू जो है सिल्ट फैक्टर जो है एफ इक्वल टू होता है 1.76 अंडर रूट डी DMM, डी जो है एवरेज डायमीटर है mm में, यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.224 आएगा। वेलोसिटी जो है इक्वल टू होता है QF स्क्वायर बाय 140 का होल की पावर 1/6, तो यहाँ पे Q दिया हुआ है 60 क्यूमेक, 60 m³ पर सेकेंड, F का वैल्यू आ गया हमारा 1.244 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 140, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.934 m/s आ जाएगा। डिजाइन पैरामीटर ऑफ लेसी थ्योरी है भी जो है QF स्क्वायर बाय 140 की का होल पावर 1/6 होता है, सिल्ट फैक्टर जो है F इक्वल टू 1.76 अंडर रूट डी, डी जो है एवरेज पार्टिकल साइज है mm में है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस सॉरी डेप्थ होता है R इक्वल टू 5/2 इंटू V स्क्वायर बाय F, ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई वी, पेरीमीटर हम फाइंड आउट करते हैं पी इक्वल टू होता है 4.75 अंडर रूट क्यू, क्यू जो है मीटर क्यू पर सेकेंड में, एस जो है बेड स्लोप इक्वल टू एफ की पावर 5/3 / 3340 इंटू क्यू की पावर 1/6। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ मैसनरी डैम ऑफ अ ट्राइंगुलर सेक्शन हुज बेस वीड इज वी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एस। तो मैक्सिमम हाइट जो है मैसनरी डैम का हम रख सकते हैं एच इक्वल टू बी अंडर रूट जी माइनस सी। जी माइनस सी, सी यहाँ पे फैक्टर है और जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वी जो है वीड है। व्हेन नो अपलिफ्ट इज कंसिडर्ड, तो सी इक्वल टू जीरो होता है। अगर हम अपलिफ्ट कंसिडर नहीं करेंगे तो सी जीरो हो जाएगा, तो एच इक्वल टू बी अंडर रूट जी जी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस से दिखा रखा है, तो बी अंडर रूट एस ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।